दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। वहीं एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक छात्र बुरी तरीके से घायल हुआ। वहीं घायल छात्र को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि रात में उन्हें सूचना मिली थी कि जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में छात्रों के समूह में झगड़ा हुआ। वहीं इस झगड़े में यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले छात्र नोमान चौधरी के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के लिए ओखला के पास स्थित होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अन्य छात्र नोमान अली के अपने घायल हुए दोस्त चौधरी से मिलने अस्पताल गया, लेकिन इसी बीच दूसरे गुट का जलाजा अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा, जिसे इमरजेंसी वार्ड के बाहर नोमान अली पर गोली चला दी। जलाल हरियाणा के मेहताब का रहने वाला है। वहीं इस मामले में जामिया नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।